तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास सिक्स हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर 12 जो कि है आप रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बेसिकली आपका सिविक्स का पोर्शन है, हिस्ट्री में आपका 1 से लेकर के 11 तक था और हिस्ट्री के ऑलमोस्ट हमने चैप्टर 7 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सिविक्स का पोर्शन, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ना बेसिकली हिस्ट्री और सिविक्स जो है जब भी एग्जाम्स होती है तो उसमें से क्वेश्चन जो है आपको मिक्स होकर आते हैं, तो कई सारे बच्चों की डिमांड थी सर चैप्टर 12 जो आपका सिविक्स का पोर्शन है उसे भी कंप्लीट करा दो, और इसीलिए मैं आपके लिए सिविक्स का आपका जो चैप्टर है वो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए बच्चों आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग उस गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे जो गाँव के लेवल पे होती है और गाँव में काम कर रही होती है। तो जैसा कि हम लोग अपने गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं, इंडिया के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या है, इंडिया हमारा जो बहुत ही बड़ी कंट्री है, इंडिया जो वेस्ट कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.35 बिलियन एंड द प्राइम मिनिस्टर सिटेड एट दिल्ली कैन नॉट अटेंड टू ईच एंड एवरी नीड ऑफ द पीपल इन रिमोट विलेजेस। इन शॉर्ट बच्चों कहूँ तो ये जो पॉपुलेशन है ना ये बहुत पुरानी पॉपुलेशन है, और प्रेजेंट टाइम में बात करी जाए तो जो प्रेजेंट इंडिया का पॉपुलेशन है वो 1.41 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, और जो 1.41 बिलियन पॉपुलेशन इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कितनी ज्यादा नंबर होती है। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिसको जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं वो दिल्ली में सीटेट होते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, और वहां से दिल्ली से पूरे कंट्री के हर एक गांव के हर एक विलेजेस के वहां के लोगों की जो छोटी छोटी नीड्स होती है उन्हें पूरा कर पाना संभव बिल्कुल नहीं है। तो टू मेक टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इजियर, तो इसीलिए जो सरकार है वो क्या करती है अपने टास्क को इजियर बनाने के लिए, द गवर्नमेंट इन इंडिया ऑपरेट एट 3 डिफरेंट लेवल। तो जो हमारा गवर्नमेंट है इंडिया में वो 3 लेवल्स पे कार्य कर रही होती है। एक होता था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री लेवल पे कार्य करती है, इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे कार्य करती है, और इस स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए होती है आपका रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस बात को ऐसे समझ सकते हो कई सारे जो विलेजेस हैं जो आपके सरपंच होते हैं पंचायत होती है जहाँ पे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, और वो सारे सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर में आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है, और कई सारे स्टेट यानी कि ऑलमोस्ट इंडिया में 29 स्टेट्स 28 स्टेट्स कह सकते हो। एक जो आपका जम्मू कश्मीर था जो अभी उसे स्टेट्स का दर्जा बेसिकली नहीं है, तो यहां से आप कह सकते हो जो टोटल 28 स्टेट्स बेसिकली इंडिया में है, और इन सब के ऊपर भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये कह सकते हो 3 लेयर की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में कार्य कर रही होती है। पहला हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड जो थर्ड है इसे हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो 2 टाइप्स की है, पहला जो विलेज में वर्क करती है उसे हम लोग रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, और जो शहर में कार्य करती है उसे हम लोग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आज के चैप्टर में आपको जो रूरल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है इसके बारे में ज्यादा फोकस करनी है, इसे समझनी है, और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको हम लोग इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर है वहां पे समझने का प्रयास करेंगे। हम इस रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यहाँ पे कैसे कार्य करती है इसके बारे में जानेंगे, इनको काम के लिए जो बेसिकली पैसे हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जो बजट है इनको कौन एलोकेट करता है इसके बारे में जानेंगे, जो गांव है वहाँ पे बेसिकली चुनाव कैसे होती है, इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके तो चलिए बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट जो टॉपिक आपको जाननी है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड इसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जाके हम जानेंगे कि लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है। तो बच्चों देखो जो यूनियन है ना यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे इंडिया का वो बेसिक कैपिटल सिटी जो इंडिया है वहां पे जाके बेस्ड होते हैं, और वहीं से वो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि आप जानते हो हमारा जो कैपिटल सिटी है दिल्ली है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, दिल्ली से ही पूरी कंट्री को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इट डील्स विद अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इतनी बड़ी सी कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे विलेजेस हैं, पंचायत है, और इतने सारे समुदाय, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो उन सबको एक ही गवर्नमेंट एक जगह से रूल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इन सबका जो डेवलपमेंट है बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाए, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा होता है वो कुछ खास तरह के जो कार्य है वो करती है, जैसे कि डिफेंस, देश को सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल फाइनेंस यानी कि पूरे देश में जो मनी की सर्कुलेशन है उसको मैनेज करने का जो काम है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जब आपको पता होगा जब एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री जाते हो तो अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, तो उन करेंसी को मैनेज करना, उन्हें एक्सचेंज करना, ये सारा जो कार्य सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। साथ ही जो आपका रेलवेज है और जो पोस्टल सर्विस है इन सब का देख रेख और जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट इसी तरह से जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है इतने लेवल पे उसका जो कैपिटल है हर एक स्टेट का अपना कैपिटल, जैसे कि मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ का आपका रांची हो गया, बिहार का पटना है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, ठीक इसी प्रकार के जितने सारे स्टेट है सबका अपना अपना कैपिटल सिटी होता है, और जो स्टेट होती है वो कैपिटल सिटी से पूरे स्टेट को लेकर के जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी यानी कि पुलिस प्रशासन कानून को जो मैनेज करने का कार्य है वो करती है, लोकल
ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करती है, हेल्थ सर्विस को देख रही होती है, और इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट कार्य होती है स्टेट लेवल पे वो करने का प्रयास करती है। लेकिन इसके बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जो हर एक गाँव है, गाँव की जो समस्या है उसको सॉल्व करने में असमर्थ हो जाती है। क्या लिखा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइज एट द बॉटम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड हम लोग बनाने का प्रयास करें कि जो कंट्री है उसमें शासन प्रशासन कैसे चलता है, तो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट के जस्ट ऊपर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, और सबसे ऊपर में जो गवर्नमेंट कार्य करती है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। The people of the locality elect their own representative to form the local self-government of that area. और जो local government होती है उसे form करने का जो कार्य वहाँ के local लोगों की होती है, और जो local लोग हैं वो ही आपस में मिलकर अपने में से ही किसी एक को जो है वो चुनती है, और जो local problem होती है उसे short out करने का प्रयास करती है। This body deals with the local problems and look after the basic needs of the local people. जो local people होती हैं उन्हीं में से कोई एक है जो वहाँ का मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, आने के बोलो उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनता है, और फिर जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। द लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज आर ऑफ टू काइंड्स। अच्छा देखो, ये जो लोकल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडीज है वो टू टाइप्स की होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट इज रूलर एंड द सेकेंड इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। जो रूलर होती है वो रेफर करता है विलेज को, विलेज में आपका जिला परिषद होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा होता है, ब्लॉक समिति होती है जो ब्लॉक लेवल पे, और जो पंचायत होती है वो पंचायत लेवल पे काम करने का कार्य करती है। जैसे कि इसको आप ऐसे बेसिकली यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो विलेज है ना, कई सारे विलेजेस को मिला करके, बहुत सारे विलेजेस को आपस में मिला करके एक पंचायत का फॉर्मेशन होता है। कई सारे विलेजेस को मिला करके क्या बनाई जाती है, एक पंचायत बनती है, और कई सारे पंचायत को लगभग 8, 10, 12, 15 पंचायत को मिलाने के बाद एक ब्लॉक लेवल का निर्माण होता है, और इसी तरह से कई सारे ब्लॉक मिलाने के बाद डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस प्रकार से कह सकते हो, यहाँ मान लो विलेज है, विलेज से पंचायत बना, और पंचायत से ब्लॉक बना, और फिर ब्लॉक के बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है ना। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला हो गया रूलर और जो सेकेंड वन इज अर्बन। रूलर है यहाँ पे आपको जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति और पंचायत लेवल पे जो सरकार है वो देखने को मिलती है। अर्बन लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें से जो पार्ट्स हैं वो आपके आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, कंटेनमेंट बोर्ड्स एंड पोर्ट ट्रस्ट। तो आज हम लोग बेसिकली बच्चों पढ़ने वाले हैं पंचायती लेवल आने की लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और ये कार्य कैसे करती है, ये काम क्या करती है, इन्हें फंड कैसे मिलती है, इनका चुनाव कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ने और समझने वाले हैं। लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो कि द लोकल गवर्नमेंट एट द रूलर लेवल फंक्शन अंडर द पंचायती राज सिस्टम। द पंचायती राज सिस्टम इज द थ्री टायर्ड सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है वो थ्री पार्ट्स में बटा हुआ सिस्टम होता है, और संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जो थ्री लेवल होती है पंचायती राज सिस्टम में, उसमें से पहला जो लेवल है वो हो गया पंचायत यानी कि विलेज लेवल, सेकेंड इज ब्लॉक समिति यानी कि ब्लॉक लेवल, और थर्ड होती है जिला परिषद जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्य करती है। यदि यहाँ पे इमेज को बहुत ही ध्यान से देखो तो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बड़े ऑफिस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं जहाँ पे एसपी, डीसी, एसडीओ वगैरह बैठते हैं, वो हो गया जिला परिषद। नेक्स्ट है ब्लॉक लेवल, जहाँ पे आपका बीडीओ, सीओ बैठता है, जहाँ से आपका जाति आय प्रमाण पत्र वगैरह जो है वो जारी की जाती है। आपके ब्लॉक लेवल पे जो डेवलपमेंट का कार्य है वो सारा जो कंट्रोल है वो ब्लॉक समिति के द्वारा करी जाती है। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है पंचायत, जहाँ पे सारे गाँवों को मिला करके, कई सारे गांवों को मिलाकर के पंचायत बनाई जाती है, और जो सबसे ग्राउंड लेवल होता है ना पंचायती राज सिस्टम का वो आपका विलेज लेवल का पंचायत होती है। क्या लिखा हुआ है कि इन इंडिया द सिस्टम ऑफ पंचायत इज वेरी ओल्ड। ये जो पंचायत वाला सिस्टम है इंडिया में बहुत ही पुराना है। द वर्ड पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ फाइव पीपल। देखो पंचायत मतलब होता है यानी कि ग्रुप ऑफ फाइव पीपल। पंचायत अक्सर देखना अपने गांव में, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो वहां पे ना कोई भी चीजें होती है, कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती है, तो चार पांच लोगों को बुला करके ना मसले को हल करी जाती है। किसी भी तरह की समस्या होगी, किसी की बकरी चोरी हो गया, किसी ने किसी को मारपीट दिया, किसी ने किसी के घर पे कब्जे कर लिया, जमीन चोरी कर लिया, कब्जे कर लिया, तो अक्सर वहां के लोग ना सबसे पहले प्रयास करते हैं कि चार पांच लोगों को बुला ली जाए और जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तो पांच लोगों की जो समूह होती है उसे पंचायत के नाम से जाना जाता है। सिंस एंशिएंट टाइम्स इट हैज बीन अ कस्टम फॉर विलेजर्स टू इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ फाइव एल्डर। देखो ये बहुत पुराने टाइम से इंडिया में कस्टम रहा है विलेजेस की, विलेज को रन करने के लिए, समस्याओं को समाधान करने के लिए विलेजेस जो होते थे वो अपने में से ही चार पांच एल्डर्स लोगों को चुन लेते थे। दे वुड डील विद द लोकल प्रॉब्लम्स, और जो लोकल प्रॉब्लम्स होते थे उसे सॉल्व करने का जो काम है, जो लोकल डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने का जो काम है वो पंचायत के लोगों के द्वारा करी जाते थे।
डिसीजन वॉज बाइंडिंग अपॉन वन एंड ऑल, इसकी जो डिसीजन है वो बाइंड करी जाती थी, इसकी जो डिसीजन वो हर एक लोग को फॉलो करने पड़ते थे। द सिस्टम फंक्शन वेल टू द मुगल पीरियड, लेकिन ये जो सिस्टम है वो मुगल पीरियड तक कार्य करता है। इसके बाद जब ब्रिटिश रूल इंडिया में लग जाता है तो जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस सिस्टम को लेस इफेक्टिव बिकॉज ब्रिटिश सेंड देयर ऑन ऑफिशियल टू लुक आफ्टर लोकल प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करता है, जो पंचायती राज सिस्टम होती है वो धीरे धीरे लेस इफेक्टिव हो जाता है, अनइफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, अपने जो अधिकारी होते हैं उनके जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें ही गांव के साइड भेज दिया करते थे वहां के लोकल प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। हाउएवर कह सकते हो कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं कुड नॉट अंडरस्टैंड और रिलेट टू द लोकल प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो लोकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर पाते थे। तो जब आज़ादी हमें मिलती, इंडिपेंडेंस मिलती, उसके बाद भारत में लाई जाती पंचायती सिस्टम, जो फिर से एक बार पुराना जो पंचायत वाला सिस्टम था उसे रिवाइव करने का काम करती है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दिस वॉज डन टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ द विलेज इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर ऑन अफेयर। और जो पंचायती राज सिस्टम वो दोबारा भारत सरकार के द्वारा इसलिए इंट्रोड्यूस करी जाती है ताकि जो ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे लोग रहते हैं उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनकी जो समस्याएं उसे सॉर्ट आउट और ठीक करा जा सके। तो यहाँ से हम पंचायती राज सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि जो विलेज है वो यूजुअली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। ये जो पंचायत है फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि आपका हो गया ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। 500 या 500 से अधिक पॉपुलेशन वाले जितने भी विलेजेस इंडिया में है उन सब का अपना एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा मतलब विलेज असेंबली। अब लोग सर विलेज असेंबली क्या है, तो देखो उन सारे लोग क्या करते हैं, अपने गांव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं होती है, जैसे कि कहाँ पे नली बनानी है, किधर से सड़क पास करवानी है, न्याय सड़क कहाँ पे बनवाना है, क्यों बनवाना है, इलेक्शन में वोट किसे देनी है, किस पार्टी को वोट देनी है, और जो गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कि कब बाढ़ आ रहा है, हमारे यहाँ खेती कैसे होती है, जो प्रॉब्लम्स है पानी की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम्स है, नौकरी की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम है, जितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है उन सबका डिस्कशन करने के लिए जो मीटिंग होती है ना उसे ही कहते हैं हम लोग विलेज असेंबली, ताकि वहाँ पे गांव के सारे सदस्य, ऑलमोस्ट जो सीनियर्स लोग होते हैं वो आपस में बैठते हैं और गांव से रिलेटेड जो फैसले हैं वो लेने का काम करते हैं। ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज आर मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो एडल्ट मेंबर यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने सारे सदस्य होते हैं गाँव में, वो सभी इस विलेज असेंबली के पार्ट्स होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। द ग्राम सभा होल्ड्स मीटिंग्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, और प्रत्येक साल ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ये जो है ग्राम सभा मीटिंग करती है, और जहाँ पे हर एक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब गाँव के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, विलेज में मीटिंग करते हैं, वो तो ठीक है, बट ये मीटिंग में फैसला क्या करते हैं, डिस्कस क्या करते हैं? तो देखो लिखा हुआ है कि इट डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज। विलेज की जो प्रॉब्लम होती है ना उनके बारे में ये डिस्कस कर रही होती है। द ग्राम सभा यूजुअली इलेक्ट द पीपल हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम की सभा होती है, ग्राम सभा के जो जितने सारे लोग होते हैं उन्हीं में से कोई एक लोग को वो चुन लेते हैं जो ग्राम पंचायत लेवल पे वर्क करती है। ओके, तो ग्राम सभा के बाद नेक्स्ट जो बच्चों आपका वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ग्राम पंचायत। चलिए अब समझते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है। देखो द विलेज और ग्राम सभा इलेक्ट नंबर ऑफ सीनियर मेंबर्स हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के जो ग्राम सभाएं होती हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जो मेंबर्स हैं वो ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन करते हैं। सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। वन थर्ड ऑफ द सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन। ग्राम पंचायत की जो 1/3 पार्ट होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, और कभी कभार जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्व होती, ताकि गांव के लोग जो हैं। ग्राम पंचायत के बाद है न्याय पंचायत, और न्याय पंचायत क्या होती है, सम विलेजेस हैव अ न्याय पंचायत। किसी किसी विलेजेस में जो है वो न्याय पंचायत होती है। इनका फंक्शन होता है टू सेटल डिस्प्यूट अमंग द पीपल। जो भी गांव और ग्रामीणों के बीच में आपस में समस्याएं होती है उन्हें शॉर्ट आउट करने का काम जो है वो न्याय पंचायत करती है। इट प्रोवाइड्स अ चीप एंड स्पीडी वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। ये क्या कहता है, बहुत ही सस्ता सुविधा, और एक चूंकि जितने सारे प्रॉब्लम्स होती है, जो भी लड़ाई झगड़े होता है वहाँ के आसपास के जो लोग होते हैं उनको अच्छे से पता होता है, इसीलिए यहाँ पे सरपंच लेवल पे यानी पंचायत लेवल पे न्याय पंचायत होती है, और ये बहुत ही कम और बहुत तेजी से जो समस्याएं होती है, जो डिस्प्यूट होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, बच्चों वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए हम लोग फीचर्स ऑफ द पंचायत यानी कि पंचायत की जो खास फीचर्स क्या होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, फंक्शन क्या होती है, उनके लिए कंपल्सरी फंक्शंस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में टोटल ये जो चैप्टर वो 3 पार्ट्स में होकर के आने वाला है, और ये आज का आपका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है क्लासिक्स में वो सभी को शॉर्ट आउट करी जाए।